हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक पे रिकमेंडेशन भी देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रीवरीज लिमिटेड की। इस कंपनी के स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस भी देखेंगे और इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल एंड टेक्निकल्स भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक के क्या टारगेट रह सकते हैं। इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं। अब आगे इस स्टॉक में किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, इसे सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, तो आप अंत तक हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड अल्कोहल के जो एक दिन की प्राइस का एनालिसिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक दिन में इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी रैली देखी गई है। 2.96% के राउंड रैली देखी जा रही है और ये जो स्टॉक है 486.55 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है ऑन 6 अक्टूबर एट 12:09 PM। तो बहुत ही बड़ी रैली इस स्टॉक में एक दिन में देखने को मिल रही है। यदि हम इस कंपनी के और डिटेल चेक करें तो ये जो कंपनी है एक अल्कोहल सेक्टर में काम करती है। अब हम इसके 5 दिन की प्राइस का परफॉर्मेंस देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है और इस स्टॉक में 11.61% की रैली देखने को मिली है। पहले ये जो स्टॉक है अपने लोअर सपोर्ट लेवल के अराउंड ही काम कर रहा था, 450 के अराउंड काम कर रहा था, लेकिन फिर इसमें जंप भी देखने को मिला है। अब ये जो स्टॉक है फिर करेक्शन के मोड में चल रहा है। यदि इसकी पास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 8.63% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। पहले ये जो स्टॉक था कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, तो इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज़ अराउंड 425, तो फिर इस स्टॉक में जंप लगाया था और कंटिन्यूसली जो है ब्रेकआउट रैली भी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो अब ये इस स्टॉक का जो पैटर्न है बहुत ही ब्यूलिश, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। यदि इसकी 6 मंथ की परफॉर्मेंस चेक करें तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल इस स्टॉक ने 8.23% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। पहले इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड आया था और इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल है वो 400 का निकल कर आ रहा है, फिर इसमें जंप भी देखा गया है और इसने अब 500 का लेवल भी टच किया था, लेकिन इसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूसली करेक्शन देखने को मिली है। अब ये जो स्टॉक है फिर ब्रेकआउट के मोड में दिख रहा है। इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज़ अराउंड 425, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो आप देख सकते हो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 500 का निकल कर आ रहा है और आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है बहुत ही रेंज बाउंड काम कर रहा है इन द लास्ट 6 मंथ, और 400 से लेके 500 तक का इसका जो रेंज है बहुत ही क्रूशियल है। यदि ये जो स्टॉक है अपने रेजिस्टेंस लेवल 500 को क्रॉस कर देता है तो आने वाले टाइम में इसमें और भी बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये जो स्टॉक है अपने लोअर सपोर्ट लेवल की तरफ मूव कर सकता है दैट इज़ अराउंड 425। अब हम इसके लॉन्ग टर्म का डाटा देखेंगे। पहले 1 ईयर का डाटा देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं, 92% के राउंड रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं। पहले इस स्टॉक में जो आप देख सकते हो लीनियर मूवमेंट थी, फिर इस स्टॉक में आप देख सकते हो करेक्शन भी आई है, लेकिन अब इस स्टॉक में फिर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है फ्रॉम द लोअर सपोर्ट लेवल। तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न निकल कर आ रहा है। यदि लॉन्ग टर्म का डाटा चेक करें, 5 ईयर का डाटा चेक करें, तो यहाँ पे 78.35% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका ट्रेंड भी बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। यदि मैक्सिमम डाटा देखें तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक है 5 साल से पुराना नहीं है। अब हम इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट जो है न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। द स्टॉक परफॉर्म्स बेटर देन इट्स अंडरलाइंग अर्निंग्स। तो ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसकी जो परफॉर्मेंस है स्टॉक की वो भी बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। जो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ है
दे हैव गिवन ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹170 ऑन दिस स्टॉक प्राइस। तो आप देख सकते हो ये जो ब्रोकरेज फर्म है इस स्टॉक पे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, बहुत ही ब्यूलिश दिख रहे हैं। इस न्यूज़ को हम देख लेते हैं डिटेल में कि क्यों ये जो स्टॉक सिक्योरिटी फर्म है इस पे ब्यूलिश दिख रही हैं। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक इन द लिस्टेड अल्कोहल बीवरेज इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हो इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस है दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव और करंटली दे आर अंडर वैल्यूड। तो ये जो स्टॉक है अभी करंटली अंडर वैल्यूएशन में ही चल रहा है। इट्स 5 ईयर रेवन्यू ग्रोथ CAGR इज 9.5%, नेट अर्निंग CAGR ग्रोथ इज 32.3%, FCFF CAGR ग्रोथ ऑफ 31.8%, CAGR नॉट विदस्टैंडिंग द पेंडेमिक हैज बीन नथिंग बट स्पेक्टेकुलर। तो आने वाले टाइम में देख सकते हो आप इसके पॉजिटिव जो है ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। प्रीवियस 5 ईयर रिटर्न्स देखें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ही बढ़िया CAGR ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है इन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ दिस कंपनी। दिस कपल्ड विद इट्स प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन हैज़ रिजल्टेड इन द ROIC एक्सपेंडिंग टू एन अनवायबल 41.2%। Therefore, we expect the momentum to gather further steam with the revenues, net earnings, FCFs growing at 18.8%, 14.6%, 19.1% CAGR for the financial year 21-24। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यूएशंस है बहुत ही अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए जो ब्रोकरेज फॉर्म है दैट हैज सेड दैट गिवन द कंपेलिंग ग्रोथ स्टोरी वी बिलीव दैट द स्टॉक इज ड्यू फॉर री रेटिंग। वी इनिशिएट द कवरेज ऑफ द AABL विद ए बाई फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ ₹870। तो आप देख सकते हो इसके बहुत ही बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं। देयरफॉर इट इज रिप्रेजेंटिंग एन अपसाइड ऑफ द 105% ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। तो नेक्स्ट 2 साल के लिए जब यदि आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो तो आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कहना है ब्रोकरेज फॉर्म का। तो बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव इस पे टारगेट देखने को मिल रहे हैं, इसकी ग्रोथ भी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्ट की जा रही है और इस कंपनी की जो CAGR ग्रोथ है दैट इज़ आल्सो एक्सलेंट एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो इन फ्यूचर। तो अब हम इस कंपनी की थोड़ी डिटेल में परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में इस स्टॉक ने किस तरह की परफॉर्मेंस शो की हुई है। तो पहले इसका वॉल्यूम का यदि एनालिसिस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कल का डाटा देखें तो 48.07% की डिलीवरी उठाई गई है, 3 लाख की डिलीवरी उठाई गई है। 1 वीक का एवरेज डाटा देखें तो 51 लाख की डिलीवरी निकल कर आ रही है। 1 मंथ का एवरेज डाटा देखें तो 51.34% की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है और बहुत ही पॉजिटिव डाटा देखने को मिल रहा है। ये शो कर रहा है कि इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी एक्युमुलेशन भी हो रही है और बहुत ही बढ़िया माल उठाया जा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके फाइनेंशियल पैरामीटर चेक कर लेते हैं। पहले लॉन्ग टर्म का डाटा इसका चेक करेंगे। तो हमारे स्क्रीन के सामने 5 साल का डाटा अवेलेबल है, 2017 से लेके 21 तक का डाटा अवेलेबल है फॉर द रेवेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 से लेके 20 तक इस कंपनी के रेवेन्यू में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखी जा रही है। 2017 में इसका जो रेवेन्यू था दैट वाज 290 करोड़ एंड 2020 में ये बढ़ के 522 करोड़ हो गया है और 21 में यहाँ पे थोड़ी रिडक्शन भी देखने को मिली है और इसका जो रेवेन्यू है वो रिड्यूस होकर 435 करोड़ हो गया है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ देखें तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो 5 ईयर का ग्रोथ पैटर्न बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इंटैक्ट निकल कर आ रहा है। यदि इसका नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो ये बहुत ही शानदार पैटर्न शो कर रहा है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 16 करोड़, 18 में 25 करोड़ हो गया, 19 में 30 करोड़ हो गया है, 20 में ये 49 करोड़ हो गया है और 21 में ये बढ़ के 57 करोड़ हो गया है। यहाँ पे मल्टीफोल्ड इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन द लास्ट 5 ईयर्स और आप देख सकते हो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ही शानदार ग्रोथ मिल रही है और इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग चेक कर लेते हैं। जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 58.45% स्टेक है, FIIs के पास 1.63% स्टेक है, DIIs आर होल्डिंग नियरली 39.92% स्टेक इन दिस कंपनी एंड पब्लिक इज रिमेनिंग स्टेक इन दिस कंपनी दैट इज लेस देन 1%। तो अब हम इस कंपनी के जो इंसाइट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं
दे हैव इंक्रीज देयर नंबर्स एंड देयर नंबर्स हैव बिन इंक्रीज टू 8 एंड देयर होल्डिंग हैज़ बिन आल्सो इंक्रीज टू 1.63%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इस स्टॉक में अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं और इस पे फेथ कर रहे हैं इस कंपनी पे, और इसमें कंटिन्यूसली अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो उसके आने वाले टाइम में ग्रोथ के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो अब हम इस कंपनी की प्राइस का एनालिसिस करेंगे विद द डिफरेंट पीयर्स। तो इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आ रही है दैट इज़ नियरली 3.49। तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस निकल कर आ रही हैं एज कंपेयर टू द अदर पीयर्स। तो यदि आरओई परसेंटेज देखें तो 23.01% है, 1 ईयर परफॉर्मेंस इज 91%, दैट इज ऑल्सो गुड इन द पीयर। नेट प्रॉफिट इज 57 करोड़, और इसकी जो नेट सेल्स है दैट इज ₹435 करोड़, एंड डेब टू इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो नियर जीरो। तो बहुत ही शानदार पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है, ये इसकी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी जो वैल्यूएशंस हैं दे आर अंडर वैल्यूएशन। तो इस कंपनी पे आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे स्टॉक मिल रहा है, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं, ग्रोथ के चांसेस बहुत ही बढ़िया हैं, इसलिए इसके जो टेक्निकल्स हैं दे आर आल्सो लुकिंग वेरी वेरी ब्यूलिश, एंड इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहे हैं। इसलिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। यदि आपको 2 से 3 साल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो तो आपको बहुत ही बड़े बड़े टारगेट हिट होते दिख सकते हैं। एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं, आपने हमारे वीडियो को सुना, हमारे को टाइम दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।